हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है। और नई वीडियो में रात की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना। एक बार फिर से हम रात की प्रार्थना के साथ उपस्थित हुए हैं। पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो यीशु मसीह ने हम सभी को संभाल के रखा है, जीवित रखा है, सुरक्षित रखा है, अपने पंखों के में छिपा के रखा है। मेरे प्रियजनों, इसके लिए प्रभु यीशु मसीह का हम सभी लोग धन्यवाद देंगे, ठीक है? क्योंकि वही महिमा करने के योग्य, तारीफ करने के योग्य, स्तुति प्रशंसा बढ़ाई करने के योग्य है। उसी के द्वारा हम सभी को जीवन मिला है, उद्धार मिला है, अनंत काल का जीवन परमेश्वर ने हम सभी को सेहतमेत में, मुफ्त में, इनाम में दे दिया। मेरे प्रियजनों, इसके लिए प्रभु यीशु मसीह का हम सभी लोग धन्यवाद देंगे, क्योंकि वही महिमा करने के योग्य है, तारीफ करने के योग्य है, स्तुति प्रशंसा बढ़ाई करने के योग्य है। वह सर्वशक्तिमान है, अल्फा ओमेगा है, आदि और अंत है। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह अनंत जीवन उसके पुत्र में है, यीशु मसीह में है, परमेश्वर में है। यीशु मसीह ने कहा है, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो कोई मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह वह जगत की ज्योति है। यीशु मसीह पर यह विश्वास करने के द्वारा हम सभी स्वर्ग तक पहुँच सकते हैं, स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं, अनंत काल का जीवन पा सकते हैं। इतना महान परमेश्वर है, इतना दयालु परमेश्वर है, करुणा निधान परमेश्वर है, राजाओं का राजा है। यीशु मसीह ने कहा है, निश्चय मैंने तेरे रोगों को, निश्चय मैंने तेरे दुखों को अपने पर उठा लिया हूँ, कलवरी क्रूस पर चढ़ गया हूँ। यीशु मसीह ने हम सभी का जो पापों का बोझ था, जो गुनाहों का बोझ था, जो बीमारियों का बोझ था, वो यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया, कलवरी क्रूस पर चढ़ गया। हमारा परमेश्वर बलिदान हो गया, हमारा परमेश्वर मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, वह जीवित परमेश्वर। मेरे प्रियजनों, हम सभी लोग जिंदा परमेश्वर की सेवा करते हैं, उसका जिंदा लहू है। मेरे प्रियजनों, हम सभी को हर घड़ी तैयार रहना है। यीशु मसीह ने कहा है, तुम ना उस दिन को जानते हो, ना उस घड़ी को जानते हो जिस समय मैं आऊँगा, जिस समय मैं अपनी कलीसिया को उठाने आऊँगा। उस दिन को तुम नहीं जानते हो, उस पहर को तुम नहीं जानते हो, उस घड़ी को तुम नहीं जानते हो कि मैं कब आऊँगा। मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह ने कहा है, धन्य है वह दास जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा ना फिरे और उसका नंगापन कोई ना देखने पाए। मेरे प्रियजनों, हम सभी को तैयार रहना है। याद रखना, पांच समझदार कुंवरियां उठा ली गई थी और पांच मूर्ख कुंवरियां छोड़ दी गई थी। हमें उन पांच समझदार कुंवरियों की तरह तैयार रहना है, पाप से, बुराई से, गुनाहों से अलग रहना है, संसार से अलग रहना है, संसार से मित्रता नहीं करना है। वो इतना महान परमेश्वर है, इतना दयालु परमेश्वर है, वो हमारे आंसुओं को पोछेगा, हमारे पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियजनों, सिर्फ उसी के पास अधिकार है कि वे हमारे पापों को क्षमा कर सकता है, गुनाहों को ढाव कर सकता है। इतना महान परमेश्वर है। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार पिता हम सभी के ऊपर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार हम सभी के अपराधों को मिटा दे, गुनाहों को ढाप दे। मेरे परमेश्वर पिता, मेरे परमेश्वर पिता, मेरे प्रियजनों, यदि आप रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, किसी बात पर टूट चुके हैं, तो आज आपको परमेश्वर से बोलना है, आज आपको यीशु मसीह से बोलना है। वो इतना महान परमेश्वर है, इतना दयालु परमेश्वर है, आपके अशोक को पूछेगा, आपकी बीमारियों को, आपकी गरीबी को, आपकी तंगी को, आपकी परेशानी को यीशु मसीह दूर करना परमेश्वर है। वो दूर करने जा रहा आपके जीवन से, हर एक शराब के बंधन टूटेंगे, हर एक बीमारी के बंधन टूट जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रियजनों, हम सभी को विश्वास करना है, विश्वास करने की आवश्यकताएं हैं। वो इतना महान परमेश्वर है, आपके जीवन से हर एक रुकावट के बंधन, हर एक कराधरा के बंधन वे जल जाएंगे यीशु मसीह के नाम से, जल जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रियजन, सभी को विश्वास करना है, विश्वास करने की आवश्यकताएं हैं। यीशु मसीह ने कहा है, यदि तू विश्वास करेगी, यदि तू विश्वास करेगा तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी, परमेश्वर की महिमा को देखेगा। मेरे प्रियजनों, हम सभी को विश्वास करना है, विश्वास में अड़े खड़े मजबूत बने रहना है, चाहे जितने भी आंधियां तूफान आ जाए। मेरे प्रियजनों, हम सबको विश्वास में खड़े रहना है। यीशु मसीह ने कहा है, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा, उसी को अनंत काल का जीवन दिया जाएगा, उसी के पाप क्षमा होंगे, उसी को एक नया जीवन देगा हमारा परमेश्वर, अमर जीवन देगा, अजर मिराज का, जो कभी नाश नहीं होता है, परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों को दिया है। मेरे प्रियजनों, जो कभी नाश नहीं होता है वो जीवन, अमर जीवन हमारा परमेश्वर हम सभी को देगा। परमेश्वर कहेगा, हे हमारे पिता के धनी लोगों, आओ इस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो मैंने तुम्हारे लिए जगत से तैयार करके रखा है। मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह ने हम सभी के लिए नया स्वर्ग यरूशलेम तैयार करके बना के रखा है। यीशु मसीह ने कहा है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता। मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह ने कहा है कि मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, बहुत से रहने के सोने के घर हैं, ये अगर ना होते, यीशु मसीह ने कहा है, मैं तुमसे पहले
ही कह देता मेरे प्रियजन, बस हम सभी को परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है, अपने जीवन में उन आज्ञाओं को फॉलो करना है। वो परमेश्वर महान है, वो परमेश्वर दयालु है, वो राजाओं का राजा है। मेरे प्रियजन इस प्राण को आंख बंद करके पूरा विश्वास के साथ सुनेंगे और लास्ट में आमीन बोलकर रिसीव करेंगे। चलिए प्राणों को स्टार्ट करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की तारीफ हो, आपके नाम की जय जयकार करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु आप महान है, मेरे पिता आप दयालु है, मेरे पिता आप करुणानिधान परमेश्वर हैं, आप राजाओं के राजा हैं, आप सृष्टिकर्ता मालिक हैं मेरे परमेश्वर पापा, मेरे पिता, मेरे प्रभु, जो आपने मेरे स्वामी हम सभी को पिता जीवितों के बीच में पिता जीवित रखा है, संभाल के रखा है, सुरक्षित रखा है, अपने पंखों की आड़ में छिपा के रखा है मेरे पिता। इसके लिए पिता यीशु पापा आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। कितने मनुष्य होंगे पिता, अन्य जाति लोग होंगे पिता, जो आपको नहीं जानते होंगे पिता, जो मर गए होंगे पिता, जो अपने माता पिता से, भाई बहनों से, घर मोहल्लों से बिछड़ जाते हैं पिता, वे कैसे स्थानों पर चले जाते हैं पिता, जहाँ की आग नहीं बुझती है पिता, जहाँ के कीड़े नहीं मरते हैं मेरे स्वामी, मेरे पिता भी उस स्थान पर चले गए होंगे पिता, जो आपने मेरे स्वामी हम सभी का नाम लेके बुलाया है पिता। आपने कहा है मेरे पापा, मैंने तुमको माता की गर्भ से ही चुना है मेरे पिता। आपने कहा पिता हम सभी धन्य है पिता, जो आपने हम सभी को पिता इस संसार से चुना है पिता, चुन के अलग किया है पिता, नाम लेके बुलाया है मेरे स्वामी। इसके लिए पिता आपका हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र, 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 आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभु के प्रभु हैं, आप सेनाओं के योमा हैं, आप सृष्टिकर्ता मालिक हैं मेरे पापा, जो आपने मेरे पिता हम सभी से इतना प्रेम किया पिता कि आपने पिता कोड़े खाए, मार खाई, बेइज्जती सा, दुख सा, दर्द सा, आपके शरीर पर पिता 39 कोड़े लगवाए गए, उन 39 कोड़ों के साथ मेरे पिता आपका मांस तक खींच कर चलाता था, आपके मुंह पर थूका गया, सैनिकों ने आपकी बदनामी की, सिर्फ पिता हम लोगों के पाप के कारण, हमारे पापों के कारण मेरे परमेश्वर पिता, जो सजा मेरे स्वामी हम सभी को मिलने वाली थी पिता, वो सजा मेरे पिता आपने पिता अपने ऊपर ले लिया पिता, और कलवरी क्रूस पर चढ़ गए, बलिदान हो गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे पिता। इसके लिए पिता आपकी तारीफ करते, बड़ाई करते मेरे पिता। आपने कहा यदि, आपने कहा पिता जो कोई मुझ पर विश्वास करता है यदि वह मर भी जाएगा तो भी वह जिएगा मेरे पिता। आपने कहा मेरे पिता आप हम सभी को अपने वचनों के अनुसार हम सभी को जिलाएंगे पिता, आपने हम सभी से प्रतिज्ञा की है, वादा किया है मेरे पिता। इसके लिए पिता आपका धन्यवाद करते मेरे पिता। प्रार्थना करते पिता, जो मसीबन बीमार है पिता, जो हॉस्पिटल में एडमिट है पिता, जो खाट पे, जो बेड पे पड़े हैं पिता, जो तमाम इलाज दवाई करा चुके पिता, जो नहीं आजाद हो रहे पिता, जो नहीं चंगे हो रहे हैं पिता, आपके नाम से पिता ये आजाद हो जाए, आजाद हो जाए बोलकर आमीन। यीशु मसीह आपके जीवन में चेंजिंग लाएगा मेरे पिता, इनके जीवन में वो चमत्कार कीजिए, वो बदलाव लाइए, वो चेंजिंग लाइए, वो पिता आशीषें लाइए, वो बीमारियां दूर हो जाए, सब समस्याएं दूर हो जाए, वे जल जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र, 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 आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभु के प्रभु हैं, आप सेनाओं की होमा हैं, आप सृष्टिकर्ता मन के यीशु पापा, आपकी तारीफ करते पिता, आपकी बड़ाई करते पिता, आपकी जय जयकार करते हैं मेरे स्वामी, मेरे पिता। हम प्रार्थना करते पिता, जो गरीब है पिता, जो लाचार है पिता, जो कमाने नहीं पिता, जो अपने गरीबी में, तंगी में, परेशानी में जूझ रहे हैं, लिप्त हैं, यीशु मसीह आपके नाम से उनकी तंगी को, परेशानी को, गरीबी को आप जीव का त्यों करने वाले परमेश्वर हैं, जीव का त्यों कर दीजिए मेरे पिता। आप इनके जीवन में वो चमत्कार कीजिए, आप इनके जीवन में वो बदलाव लाइए, वो चेंजिंग लाइए मेरे पिता। आप महान है पिता, आप दयालु हैं पिता, आप करना निधान परमेश्वर है पिता, आप राजाओं के राजा हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं यीशु मसीह मेरे पिता।
हम प्रार्थना करते हैं जो बहनें रो रही पिता, जिन्हें संतान नहीं होती पिता, जिन्हें संतान चाहिए, जिन्हें बच्चे चाहिए पिता, ने बच्चे की आशीष आने पाए यीशु मसीह के नाम से, वो बच्चे की आशीष आने पाए, वो स्वर्ग की पावर ब्लेसिंग छू ले मेरे स्वामी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आप जानते हैं पुत्र चाहिए, पुत्रिया चाहिए, बच्चे चाहिए, आपने दीजिए पिता। जिस प्रकार से मेरे स्वामी आपने सारा को बच्चे दे थे उम्र में पिता, उसी प्रकार से पिता आप इन बहनों को बच्चे दीजिए यीशु मसीह के नाम से, जिन बहनों को चाहिए यीशु मसीह के नाम से। मेरे पिता हम प्रार्थना करते हैं जिन घरों में पिता शैतान काम करता है, बदरूही गंदी आत्माएं दुष्ट आत्माएं के जीवन में कार्य करती है पिता, हर एक करादर के बंधन टूट जाए पिता, हर एक बंदी गंदी आत्माएं बदरूही चले दुष्ट आत्माएं जाए इनके जीवन से निकल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मेरे पिता महान है, मेरे पिता आप दयालु हैं, मेरे परमेश्वर पिता। मेरे पिता हम प्रार्थना करते जो मसीह में रात में नहीं सो पाते पिता, उन्हें डर लगता भय लगता प्रभु, जब लेटे पिता तब उन्हें सुख की नींद दीजिए पिता। आपका वचन कहता है जब तू लेटेगा तब तू भय न खाएगा, जब तू लेटेगा तब तुझे सुख की नींद आएगी, अचानक आने वाले भय से न डरना मेरे पिता। मेरे प्रभु इन वचनों की द्वारा आप इनके जीवन में चमत्कार करें पिता, मुझे आशा विश्वास है पिता आपने प्रार्थना को सुना है मेरे पिता। ये छोटी सी विनती उद्धार करता यीशु मसीह के सामर्थी मीठे पावन नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिएगा, आमीन।